हेलो प्रोक करी विथ पर्पलिंग कुकिंग एंड होम मेड। देखिए दोस्तों, मैंने फ्रोक करी बनाया हूँ घर में, तो अभी मैं स्टार्ट कर देता हूँ। थोड़ा सा उससे पहले मैं प्याज छील देता हूँ, बारीक तरीके से काट देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये बनाने का ना बहुत आसानी तरीका होती है, जैसा आप बना भी सकते हो, सीख भी सकते हो। ऐसे तो मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया, चाहे तो आप घी भी डाल सकते हैं। इसमें डाल दिया हूँ इलायची, लवंगा और मिरेलू और स्टार फूल, जावित्री, एक चार टुकड़े तेज़पत्ता। उसके बाद जिंजर गार्लिक का कीमा डाल दिया हूँ इसको। ये डालने में ना खुशबू अच्छा लगेगा। यानी मैं जीरा डाल देता हूँ, जीरा धनिया मिक्स रहता है वो डाल देता हूँ। उसके बाद डाल देता हूँ ग्रीन चिल्ली। ग्रीन चिल्ली डालने के बाद जो है अपन तो काटे सो ऑनियन डाल देंगे। उसको डालने के बाद थोड़ा सा अच्छे से मिक्स करें। तो इसको मिक्स करना है तो लगे का ब्राउन हो जाए। देखिए, ये जितना भी पकाने का आसानी तरीका है, ये आप आसानी तरीका से सीख सकते हो। ये बनाने का ना बहुत मज़ा लगता है। देखिए, अभी मैंने इसमें डाल देता हूँ फॉक चिकन, तो उसमें मैं डाल दिया हूँ। इसके बाद मैं थोड़ा सा इसको हल्दी ऐड कर देता हूँ। तो हल्दी ऐड करने के बाद इसको अच्छा से मिलाए, जितना भी मिलाओ है ना आपको उतना टेस्टी लगेगा। देखिए दोस्तों, अपन तो ये वीडियो में अपन तो कुकिंग करते रहते, कभी भी कुछ ना कुछ वीडियो डालते रहते। डाल देंगे अपन इसमें नमक, और इसमें नमक डाल दिया हूँ थोड़ा। नमक मोटा वाला नमक डालने से क्या होता है, बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा। अभी अपन डाल देंगे 1.5 स्पून मिर्ची पाउडर। मिर्ची पाउडर डाल दिया हूँ, उतना ज़्यादा भी नहीं डालना है। अभी अपन डाल देंगे धनिया, और धनिया के बाद में जो अपन जीरा पाउडर डाल देंगे। देखिए दोस्तों, इसको तो मैं डाल दिया हूँ। अभी इसको क्या करना है, अच्छा तरीके से मिक्स करना है, मसाला को पूरा मॉस में लग जाए। तो ऐसे मिक्स करें। देखिए, इतना बढ़िया से मिक्स करने का है। ये जितना भी आप मिक्स कर सकते हो उतना ही आपको अच्छा टेस्ट बनेगा। देखिए, अभी इसमें टमाटर भी ऐड करना है, मगर टमाटर को छोटा नहीं करना, बड़े बड़े रखना, तो वो अच्छा लगेगा, उसमें जूस निकल जाएगा। ऐसे बड़ा बड़ा टमाटर डाल देना है। डालने के बाद क्या है, मैं इसको ऊपर से ढक्कन लगा देता हूँ। मैंने ढक्कन लगा दिया हूँ। अभी मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला का टुकड़े इसमें डाल कर देता हूँ। इसको हो गया है, अभी ये इसमें डाल देंगे। इसमें डालने के बाद जो क्या है, उतना गरम मसाला भी पाउडर नहीं खाना है। इसमें जो लहसुन और अदरक पूरा मिक्स करे से रहता, मिरालू और जायफल डाल के इसको अच्छा से कूट के इसमें डाल दीजिए। इसमें डालने के बाद जो है ना आप थोड़ा सा अच्छा से इसको मिलाए। इसको कितना भी मिक्स करा ना उतना अच्छा टेस्ट लगेगा। तो देखिए, अभी इतना मिक्स करने के बाद जो अपन इसको अच्छा से बनाते हैं। अगर ये बनाने का आपको जैसा दिल बोलता है ना, ऐसा बहुत अच्छा से बना सकते, तो इसको खाने में भी बहुत पसंद लगेगा। तो अपन ये थोड़ा मोटा है, अभी इसको अपन क्या कर देंगे, मिक्स करने के बाद अच्छे से फिर ढक्कन लगा देंगे एक 20 मिनट के लिए। तो अभी ये मसाला पूरा पक चुका है। देखिए दोस्तों, इतना बढ़िया अभी अच्छे से मिला है ना, इतना अच्छा मैरिनेट भी हो चुका है। देखिए, ये बनाने का आसानी परफेक्टिंग तरीका है। अभी मैं क्या है, इसमें थोड़ा सा पानी लगा देता हूँ, 1 गिलास या 2 गिलास, अपन कितना ग्रेवी खाना का है उतना पानी लगा देंगे। देखिए दोस्तों, अभी ये थोड़ा उमलने को लग रहा है। देखिए, अभी ये पक चुका है, इतना परफेक्ट, इतना अच्छा से करी बन चुका है। देखिए दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो, अगर वीडियो में पहली बार हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो ज़रूर करने का, और कमेंट में भी ज़रूर बताएं अगर अच्छा है या नहीं है तो कमेंट में भी बताएं। अपन रेसिपी, नया रेसिपी ज़रूर सीख सकते हैं, और दूसरा वीडियो में भी आप देख सकते हैं, डेली डेली का एक वीडियो। तो शॉर्ट तो ज़्यादा डालता हूँ, लॉन्ग तो कभी कभी डालता हूँ। परफेक्टिंग आभाना कैमरा थोड़ा अच्छा नहीं है, तो क्वालिटी उतना बड़ा आता नहीं होगा। अगर ये वीडियो में कैसा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। फ्रॉक एंड विथ करी। ओके।